Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Mareem Asghar, working in Saida Fatemidun Hospital as an optometrist from the last 2 years. Today, I'm going to discuss about the difference between stye and chlazion. In dono mein kya difference hai? Stye aur chlazion ko agar hum layman term mein bolein, to ye hai ki aapki aankh ke upar ya aapki aankh ke andar koi dana ban jata hai, jisko hum bump kehte hain. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्टाई की, तो स्टाई क्या है? दैट इज़ फॉर्म आउटर रिम ऑफ योर आईलेट. आपकी आईलेट के बाहर की तरफ ये बनती है, ठीक है, और ये स्वेलन अपेयरेंस होती है आपकी आई की, और रेडनेस होती है, एंड टेंडरनेस. टेंडरनेस दैट इज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी. अगर हम बात करते हैं टेंडरनेस क्या है, तो टेंडरनेस अगर आप टच करते हैं आपकी आईलेट को, तो आपको पेन होती है. जीस ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की वजह से स्टाई बनती है. आपको जीस ग्लैंड का नहीं पता? जीस ग्लैंड ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसमें ग्लैंड्स बनाए हैं. वन ऑफ द जीस ग्लैंड इज़ इन योर आईलिड. आईलिड में अगर आपकी नॉरिशमेंट के लिए, अगर आपने आपकी बॉडी को और आपकी आई को कह लें कि लुब्रिकेट करने के लिए अल्लाह ताला ने जीस ग्लैंड बनाया है. अब जीस ग्लैंड में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डैट इज़ कॉल्ड स्टाई. स्टाई कह लें कि अगर तो पेशेंट आते हैं पेन के साथ आते हैं, वो स्टाई है. अगर क्लेजियन की बात करते हैं, तो क्लेजियन जो है वो अलग ग्लैंड है, दैट इज़ कॉल्ड मेबोमियन ग्लैंड. मेबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बनती है बम, वो होती है क्लेजियन. क्लेजियन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये है कि क्लेजियन जो है वो पेनलेस होता है. अगर आप उसको हाथ लगाते हैं, या आपकी आई के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कोई बना हुआ है क्लेजियन, तो वो पेनलेस कंडीशन है. अब अगर हम इसकी रेशो की बात करते हैं, तो अडल्ट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन, क्योंकि एडल्ट में हाइजीन की प्रॉब्लम होती है. कॉस्मेटिक जो वो यूज़ कर रहे होते हैं, मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं, या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे होते हैं, उस वजह से भी होती है. काजेस में देखा जाए, तो काजेस में सबसे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस जो है वो इसका रीज़न है. क्यों है? क्योंकि हमारी जो हाइजीन है, जैसे कि कॉस्मेटिक में अगर मेकअप की बात करते हैं, तो मेकअप हमारा कॉन्टामिनेटेड होता है, जिस वजह से हमें लेडीज़ में ज़्यादातर स्टाई बनती है, और क्लेजियन भी. और अगर देखा जाए, तो इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और हार्मोन्स हैं लेडीज़ में ज़्यादा हैं, तो हार्मोन चेंज की वजह से भी स्टाई बनती हैं और क्लेजियन भी बनते हैं. और पेशेंट में ऐसे हैं कि 1 to 2 भी क्लेजियन होते हैं और स्टाई भी होते हैं. मतलब अगर आप देखें प्रेजेंटेशन में, अगर आपके कभी बनी हो, तो आपकी आईलेट के ऊपर भी बन जाती है और नीचे भी. एट अ टाइम ये दो कह लें कि दो प्रेजेंट होती हैं, तो ये कोई एज सच कोई कहने की सवेयर केस नहीं है, ये नॉर्मल है. नाउ मूव टू द पॉसिबल ट्रीटमेंट. इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? कहने की अगर कंजर्वेटिव में ट्रीटमेंट बताती हूँ, अगर मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बता रही, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पहले बता देती हूँ. वो ये है कि आप यूजली क्लेजियन इन द वीक ऑफ योर ऑन. अच्छा जी, अब ये है कि जो क्लेजियन या स्टाई है, ये सेल्फ रिजॉल्व नहीं है. अगर आप इसको हाथ ही नहीं लगाते 1 से 2 हफ्ते तक, ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगी. लेकिन अगर आप इसको स्क्वीज़ कर रहे हैं या इसको पॉक कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, और ये लॉन्ग प्रोसीजर की तरफ चले जाएगा, और ये क्रॉनिक केसेस में फॉल हो जाएगा. सेकंड है वॉर्म कंप्रेसिव थेरेपी, डेट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन. वॉर्म कंप्रेसिव थेरेपी क्या कहते हैं? कि अगर हम मार्केट से कोई आईपैड मिलता है, या कह लें कि टीनी बॉटल्स मिलती हैं, उससे आप अपनी आई को वॉर्म कंप्रेसिव थेरेपी दें, और ये 3 to 4 times दें इन अ डे. सेकेंड थिंग, मसाज. अच्छा जी, मैंने आपको कहा है कि आपने अपने क्लेजियन या स्टाई को हाथ नहीं लगाना, तो मसाज इज़ द डिफरेंट थिंग. मसाज हम करते हैं बॉडी को, ऐसे रब करते हैं. अगर हम किसी चीज़ को रब करते हैं, तो उसका जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. द लास्ट थिंग इज़ क्लीन योर कॉन्टैक्ट लेंस एंड रिप्लेस योर मेकअप. अच्छा जी, रिप्लेस, अगर मेकअप अगर आपने रिप्लेस करना है, तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि 6 to 8 months के अंदर रिप्लेस कर दें. और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, और इस ड्यूरेशन में आपको स्टाई या क्लेजियन हो गया, तो पहले आपने कॉन्टैक्ट लेंस को रिप्लेस करें, फिर आप अपने जो है जो मेकअप वगैरह है वो यूज़ करें. कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव करने की बात यह है कि अगर आप रिप्लेस कर देंगे अपने कॉन्टैक्ट लेंस, जो मोड ऑफ इन्फेक्शन ये भी हो सकता है कि मेकअप की वजह से भी है, या कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से. अगर कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से है, तो आप अपने न्यू कॉन्टैक्ट लेंस जब यूज़ करेंगे, तो आपको दोबारा स्टाई नहीं होगी. नाउ मूव टू द सेकेंड थिंग, कंसल्ट योर आई डॉक्टर. अगर तो ये क्लेजियन या स्टाई जो है आँख के ऊपर जो दाना बना हुआ है, ये 3 से 4 हफ्ते रहता है, और आपको सेल्फ रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप अपने आई डॉक्टर, ऑप्थोमोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट से बात करें. ठीक है, वो आपको एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे. नाउ क्लेजियन जो मुझसे मोस्टली जो मेरी प्रैक्टिस में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कि क्लेजियन अगर हम इसका ट्रीटमेंट या ऑपरेट होता है, इसका छोटा सा कट लगता है और ऑपरेट हो जाता है, तो ये क्या दोबारा हो सकता है? जी हाँ, ये दोबारा रिकरेंट हो सकता है.
अगर तो आप अपनी हाइजीन को, आई की हाइजीन को और अपनी बॉडी की हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते, तो ये दोबारा इसके रिअकरेंस के चांसेस हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंजेक्शन होता है ट्राई एम्सिसिनोलॉन, इसमें अगर हम 1 to 2 times इसको लगाते हैं क्लेजियन के अंदर, तो क्लेजियन आपकी जो है होगी वो रिमूव हो जाती है, कह लें कि रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन इसमें भी ये चांसेस हैं कि दोबारा होने के चांसेस हैं। तो मोस्टली मैं यही अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ कि, या सजेस्ट करती हूँ यही कि अपनी जो बॉडी की हाइजन है और अपने जो आई की हाइजन है उसको मेंटेन करें, अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं उसको टाइमली रिप्लेस करें, और अपना जो मेकअप है उसको भी रिप्लेस करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माई टॉपिक देन डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू ई मेल मी इन द ई मेल आई डी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.